हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया बोट। आज हम बात करेंगे बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या कहते हैं कि सारे वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब सारे गैसेस के 68 डेसीमीटर क्यूब में या 24 डेसीमीटर क्यूब में, अगर हम मान लो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे देख रहे हैं, सारी गैसेस की स्पेसिफिक वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। लेकिन थोड़े टाइम बाद एवोगाड्रो ने, अमेडियो एवोगाड्रो ने इसे रॉन्ग प्रूफ किया। तब आया एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। वो क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, उसमें बात की थी एटम की, आपको वर्ड टू वर्ड का ध्यान देना है। एवोगाड्रो ने बात की थी मॉलिक्यूल्स की, बर्जीलियस ने बात की थी एटम की। अब देखिए, 24 डेसीमीटर क्यूब में अगर N2 है तो फिर एटम्स कितने होंगे? जितना भी 24 डेसीमीटर क्यूब में मॉलिक्यूल है N2, और आर्गन में जितने भी मॉलिक्यूल है N2 1, तो फर्क पड़ गया। लेकिन मॉलिक्यूल्स की जब बात करें तो इक्वल होंगे। एटम्स की बात इसलिए नहीं कर सकते कि हर गैस के एटम में अलग नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हर गैस के मॉलिक्यूल में अलग नंबर। नाइट्रोजन में दो, आर्गन में एक, ऑक्सीजन में दो, हाइड्रोजन में दो, फर्क पड़ सकता है। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल एटम्स, पर इसे करेक्ट किया था एवोगाड्रो ने। पर एक्चुअली कैसे मॉडिफाई किया था, टू से कि सब में सेम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अब ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहाँ यूज करते हैं? एटॉमिसिटी ढूंढने। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, एक आर्गन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं। वैसे अगर हमें फिर कुछ अगर एक गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है, जैसे N2 है नाइट्रोजन का, एटॉमिसिटी पता चलेगी तो ही आप N2 लिख पाएंगे। अब अगर आपको ये नहीं पता कितने, तो N के आगे क्या नंबर लिखेंगे? और फिर अगर आपको थोड़े कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके बीच में आपको फर्क पता लगाना है, रिलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम, वेपर डेंसिटी, इनके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं। सो दैट इज ऑल एंड टिल बाय।